तो दोस्तों 7 जुलाई 2023 को ज़रा के सर्वर्स में कुछ इशू आता है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाते, ट्विटर पे भगदड़ मच जाती है, लोगों को अनचाहा नुकसान होता है। सैकड़ों ट्रेडर्स ज़रा को कहते हैं कि आपको हमारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। 3:03 पे ज़रा एक ट्वीट करता है। इस ट्वीट में कहा जाता है कि देखिए, ये इशू ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की वजह से हुआ था। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, सिर्फ BSE F&O में ये चीज़ हुआ है, बाकी सारे सेगमेंट्स अनअफेक्टेड हैं। हम सारे के सारे ऑर्डर्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस। इन सब ट्रेडर्स में से एक ट्रेडर थे विजय गुप्ता। इन्होंने सेंसेक्स 65,300 पे पुट ऑप्शन पे एक शॉर्ट पोजिशन ले रखी है। इनका क्वान्टिटी है 500, इनका एंट्री प्राइस 20 रुपये। अभी शॉर्टिंग कर रहे हैं तो ये चाह रहे थे कि प्राइस गिरे। प्राइस गिरता है, इनका एनालिसिस सही निकलता है, एक पॉइंट इन टाइम पे 3 रुपये आ जाता है। ये एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, इस पर्टिकुलर इशू के कारण एग्जिट नहीं कर पाते। जहाँ पे इनको 17 रुपये का प्रॉफिट मिलना था और 500 क्वांटिटी के हिसाब से 8,500 रुपये, वहीं पे इनको फाइनली एग्जिट 19 रुपये 55 पैसे पे करना पड़ता है, बिकॉज उतने समय के लिए ऐप चल नहीं पाई। अब इस प्राइस पे एग्जिट करने पे उनको 45 पैसे का ही प्रॉफिट होता है, मतलब 500 की क्वांटिटी पे 225 रुपये। ये इसको एक इशू बनाते हैं, ये ज़रा को लिखते हैं, फिर सेबी में शिकायत करते हैं, जो कि आगे शिकायत BSE के पास पहुंचती है। BSE इस कंप्लेंट को अपनी GRC मतलब ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी को भेजती है। वो एक मीटिंग बुलाते हैं, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो खुद होते हैं, जिसमें BSE के ऑफिशियल्स, ज़रा के कंप्लायंस ऑफिसर और ये ट्रेडर विजय गुप्ता। अब इस कॉन्फ्रेंस में दोनों पक्षों को सुना जाता है। इस मीटिंग में बहुत सी बातें हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आया कि ज़रा जो लीज लाइन का इस्तेमाल करता है कनेक्टिविटी के लिए, वो 4 Mbps की स्पीड पे काम करती है। अब नॉर्मली देखा जाए तो ये लीज लाइन जिस स्पीड पे चल रही है वो काफ़ी कम लगती है, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, जो कि एक पक्ष है ज़रा का, जो उनका कहना है। खैर, इस मुद्दे के बारे में थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। तो इस मीटिंग में ज़रा की कंप्लायंस ऑफिसर का कहना था कि देखिए, कि जब भी कोई ट्रेडर डीमैट अकाउंट खोलता है तो उसको एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट मिलता है। उसमें क्लोज 9 और 10 क्लियरली कहता है कि सारी की सारी ट्रेडिंग सुविधाएं इंटरनेट के ऊपर मुहैया करवाई जा रही हैं, और एक इंटरनेट ऐसा है जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, और अगर इन केस कोई टेक्निकल इशू आता है तो कोई भी ट्रेडर, कोई भी क्लाइंट ब्रोकर को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता। ये कागजों में लिखा गया है, इन कागजों पे इस ट्रेडर ने साइन किए हैं, जैसे कि हर एक ट्रेडर करता है। अब इस पॉइंट के बारे में हम आपको पहले भी काफी वीडियोस में बता चुके हैं, जहां पे डीमैट अकाउंट जब आप खोलते हैं तो ये चीज होती है, क्लोज 9 और 10 होता है, बट दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि कोई भी ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर अपने तरीके से काम करेगा। लापरवाही एक ब्रोकर को भी अलाउड नहीं है। अब BSE के ऑफिसर्स ने इसी बात को मुद्दा बनाया। उन्होंने ज़रा के कंप्लायंस ऑफिसर से 2 या 3 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान था, अगर आपका इंटरनेट बंद होता है तो डिड यू हैव अ प्लान बी। ज़रा के कंप्लायंस ऑफिसर ने कहा नहीं। ऑफिसर्स ने पूछा कि 7 जुलाई से पहले 30 जून को जब आपका मुद्दा हुआ था, तब हमने BSE ने आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन भेजा था कि आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% तक हो चुका है, अब आपको एक प्लान बी तैयार कर लेना चाहिए। तो इस पे भी ज़रा के कंप्लायंस ऑफिसर ने कहा कि जी नहीं, हमने कोई एक्शन नहीं लिया। इस मीटिंग में ज़रा की कंप्लायंस ऑफिसर ने यह भी कहा कि देखिए, हमारे पास कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है ही नहीं, जहां पे हम चेक कर सकें कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो चुका है। और साथ में ये भी बात बोल दी कि देखिए, इस ट्रेडर का नुकसान नहीं हुआ है, इनफैक्ट इन्होंने 225 रुपये का प्रॉफिट बनाया है, तो अगर लॉस ही नहीं है तो क्लेम किस बात का। अब इसके ऊपर ट्रेडर ने कहा कि देखिए, मेरा एक नॉशनल लॉस हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पैसा मैं बना सकता था वो आज मेरे पास नहीं है, प्लस आज की तारीख में ये 8,500 है, शायद ये 85,000 हो सकते थे, शायद ये 80 लाख, तो मैं उस बड़े दिन का इंतजार क्यों करूं, मैं आज ही ये कंप्लेंट फाइल क्यों ना करूं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद BSE के ऑफिसर्स ने ये कहा कि सारी की सारी गलती ज़रा की है, उनको ध्यान देना चाहिए था। इस केस में 8,500 में से 225 रुपये निकाल के 8,275 रुपये बनते हैं, ये पैसा ज़रा को वापस देना पड़ेगा। और साथ में ये इशू 2:43 से लेके मार्केट के बंद होने तक रहा था, मतलब ये 45 मिनट की जो लिमिट अलाउड है उसके बियॉन्ड था। तो अब ज़रा को एक रिपोर्ट भी दाखिल करनी पड़ेगी कि आखिर ये सारा का सारा मसला हुआ क्या था और एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसके बाद एक और मुद्दा उठाया गया, इस बार ज़रा के द्वारा। ज़रा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वेणु माधव ने कहा कि BSE ने उस मीटिंग में कंप्लायंस ऑफिसर को ये बात कही नहीं थी, और ना ही ऐसा हुआ है कि हमें 70% यूटिलाइजेशन का कोई अलर्ट 30 जून को आया था, लेकिन इस बात को BSE की फाइनल रिपोर्ट में फॉर सम रीज़न डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि हाँ, 30 जून को इशू हुआ तो था, लेकिन वो इशू अलग था, वो इशू इंटरनेट या उसकी कैपेसिटी को लेके नहीं, बल्कि BSE और एक थर्ड पार्टी जो कि ऑर्डर मैनेजमेंट करती है उनके बीच के कनेक्टिविटी का था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट ज़रा ने आगे बढ़ के ये भी कह दिया कि जो 4 Mbps की स्पीड लीज लाइन की ले रखी है उन्होंने, दैट इज़ मोर देन इनफ। इस बात को प्रूव करने के लिए 26 जुलाई 2023 को उनको BSE की तरफ से यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट मिलती है, जहाँ पे स्क्रीनशॉट कहता है कि एक्चुअल स्पीड, हाईएस्ट स्पीड यूटिलाइजेशन की 2
एमबीपीएस का ही इस्तेमाल हुआ था, 4 एमबीपीएस तो काफी दूर थी। तो उनका कंक्लूजन तो यही है कि देखिए जो 30 जून का मुद्दा था दैट वाज मोर अबाउट ओएमएस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज का आपस में लेने देना, हमारा कुछ था नहीं। अब 7 जुलाई का इशू 4 एमबीपीएस की स्पीड को लेकर था या नहीं, इसके ऊपर बीएससी को ही मुद्दा बनाया जा रहा है कि उन्होंने सही समय पर उनकी लिमिट इंक्रीज नहीं की। अब देखिए एक ट्रेडर की नजर से देखा जाए सिंपल तरीके से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी, कौन सा ब्रोकर, कौन सा क्लियरिंग हाउस, कौन सा ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, कौन से एक्सचेंज में दिक्कत चल रही है, उसका ऑर्डर सही तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो 30 जून को जरूर में इशू दिखता नहीं, लेकिन अगर ब्रोकर की तरफ से लॉजिकली देखा जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 30 जून को इशू या 7 जुलाई का इशू नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो जिसके कारण आया है उसको भरपाई करनी पड़ेगी, ट्रेडर को नहीं। एक ऐसा केस था जो एक्चुअल में आगे गया, एक्चुअल में यहां पे कमेटी बैठी, एक्चुअल में एक ट्रेडर और ब्रोकर के बीच में बात हुई। दिस इज रेयर, वेरी रेयर इन द इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि नहीं होना चाहिए, रेयर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल ग्लिचेज नहीं होने चाहिए, जो चीज़ें कंट्रोलेबल हैं एटलीस्ट उस पर ध्यान देना चाहिए। इकोसिस्टम में जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, ये काम उनका है, उनको ध्यान देना है। ट्रेडर तो अपना पैसा लेके आता है, उसको अपने प्रॉफिट, उसको अपने नुकसान से ही फर्क पड़ता है, और अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो सिर्फ ट्रेडर की गलती से होना चाहिए, किसी और की गलती से नहीं, और अगर किसी और की गलती होती है तो जिम्मेवार वो कोई और ही होगा। अब वो कौन है उसकी फिंगर पॉइंटिंग नहीं, उसका एक्चुअल ओनरशिप रखा जाना चाहिए। खैर अभी के लिए इतना ही, और इस ब्लॉगर को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में जो भी हलचल होती है उसके बारे में हमेशा टाइम से अवेयर रहना है, दैट इज वन चैनल फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।